तड़पता है कि मैं अपने बच्चे को भूखा कैसे छोड़ूं। उसकी जो भी जिद होती है पूरी करती कि मेरे बच्चे खाना खा ले तुझे भूख लगेगी। आज वो वक्त आ गया कि माँ, कल जो माँ खाना ठंडा ना हो जाए गरम खाने के पीछे जिद करती थी कि मेरे बच्चे खाने कहीं ठंडा ना हो जाए, आज बच्चा माँ के सामने खाना पेश भी करता है तो ठंडा खाना देता है। अगर घर में कोई चीज ले जा रहा होता तो छुपा कर ले आता है। माँ पूछती कि बेटा क्या लाया, कहते कुछ नहीं है, कोई काम की चीज नहीं है, हाथ में खाली छुपा देता है। जब घर के अंदर घुसता तो अपनी बीवी को कहता है कि अच्छा हुआ छुपा दिया, अगर देख लेती तो मुझसे मांग लेती, शर्म नहीं आती उस नालायक औलाद को। हकीकत क्या किसी ने, वो चुपकर बेचारी रोती अपने दिल का दर्द किसी से बयान नहीं करती। वो चैन की नींद उसने पाई कहां है, 9 महीने पेट के अंदर जब रखा तब भी परेशानी के अंदर, जब पैदा हो गया तो सर्दियों की रातों के अंदर उसकी परवरिश करना, ये थोड़ा बड़ा हुआ तो दूसरा बेटा, वो बड़ा हुआ तो तीसरा चौथा, यूं मां की पूरी जिंदगी को अगर आप देखते जाएं तो पूरी जिंदगी आराम की नींद उसे मिलती नहीं। बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी पढ़ाई की टेंशन, पढ़ाई होगी मुकम्मल कर ली शादी की टेंशन, शादी हो गई तो अब बच्चे की कारोबार की टेंशन, बच्चा कारोबार में लग गया तो अब बच्चा माँ को सुख नहीं देता, ये सोच सोच के टेंशन। अब माँ मौत की दुआएं मांगती कि अल्लाह मुझे मौत दे दे कि अब कब्र में जाके आराम करूं। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं मोड़ा जब तक सो जाती है मां।